पीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एक्सेल की क्लास में चूंकि अब आखिरी क्लास चल रही है, अब ज्यादा क्लास बची ही नहीं है। मंडे को मैं खत्म कर दूंगा एक्सेल का पूरा तरह से। और ये आज से टॉपिक टेक्स्ट टू कॉलम, क्या है टेक्स्ट टू कॉलम? ये टेक्स्ट टू कॉलम बहुत छोटा सा टॉपिक है, अभी विद इन 1 मिनट में हो जाएगा। कि कब इसका यूज कब किया जाता है, जब आपको कोई बात बोली जा रही थी, कोई हेडिंग बोली जा रही थी, आपको अलग 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 कॉलम में रखनी थी और आप एक ही सेल में लिखते चले गए, ध्यान ही नहीं दिए। क्या किए, एक ही सेल में लिखते चले गए, ध्यान ही नहीं दिए। जैसे कुछ लोग बच्चों नाम बोलिए अपना अपना, बोलो नाम नीरज, हाँ, और मैं ध्यान नहीं दिया स्पेस देकर लिखता गया, मुझे अलग अलग सेल में लिखना आता। बताइए नाम और मोनू, मंटू, अच्छा, और अनु, और दूसरा नाम बोलिए राहुल, इरफान, हो गया ना? तब तक मेरी वजह पड़ी होती रही, सबको तो अलग अलग कॉलम लिखा था, मैंने एक ही सेल में लिख दिया। देखिए एक ही सेल में सारा लिखा गया है, देखिए इसी सेल में सारा है, सब लिखा रहा है यहाँ पे, बगल वाले सेल में कुछ नहीं है, खाली है यहाँ पे, यहाँ खाली है कहाँ, इसी सेल में सारा है। तो अब ऐसे कंडीशन में हम टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन का यूज करते हैं कि यार हमने तो सारा डाटा एक ही सेल में लिख दिया, अब कैसे इसको अलग अलग कॉलम में आया, अलग अलग सेल में कैसे करेंगे? तो है तरीका क्या, या आप आए कि डाटा में, और यही एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट टू कॉलम, क्या है टेक्स्ट टू कॉलम, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पूछता है कि क्या करना है, हमने कह दिया डेलीमेट करना है, क्या करना है डेलीमेट करना है और नेक्स्ट कर देंगे। और कह देते हैं कि डेलीमेट में क्या क्या हमने यूज किया होगा, अगर सेमी कॉलम लगाया होगा, कामा लगाया होगा, या स्पेस लगाया होगा, या अगर कुछ भी किया होगा, मान लीजिएगा कि वो अलग अलग सेल वाले हैं, क्या मान लीजिएगा कि वो अलग 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 सेल वाले हैं, अगर हमने टैब दबाया होगा, सेमी कॉलम दबा के लिखा होगा, कामा दबा के लिखा होगा, या स्पेस दबा के हमने कोई चीज लिखा होगा, तो समझ लीजिएगा वो सारे क्या है अलग अलग, और क्या कर देंगे नेक्स्ट, और क्या कर देंगे फिनिश। आप देख सकते हैं सबका नाम अलग हो, लिखते हो आपको चीज लिख रहा है, और यहाँ पे क्या कर दिया आपने टैब, मान लीजिए डेट एज्यूम टैब, यहाँ पे जब करेंगे तो अगली सेल में चले जाएंगे, लेकिन इसने ये कहा कि अगर कुछ भी यूज किए हो में, चाहे नाम लिखते वक्त आप स्पीच दिए हो या कामा दबाया हो, कुछ भी यूज किए, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आप उसको मान लीजिएगा वो अलग अलग, क्या मान लीजिएगा वो अलग अलग, यही बात कहा गया। और जैसे ही मैंने ऐसा किया, आप देख सकते हैं कि सारा नाम अलग अलग हो गया, जैसे नीरज, इस वाले में नीरज है, इस वाले में मोनू है, इस वाले में मंटू है, अनु है, राहुल है, इरफान है, नस्ते में सब मानो, यही टेक्स्ट टू कॉलम। आसान है नहीं आसान? सबसे पहले क्या करेंगे, एक ही सेल में सारा नाम लिखेंगे, कहाँ जाएंगे डाटा में, कहाँ जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम, क्या करेंगे डेलीमेट करेंगे, क्या करेंगे डेलीमेट, लिख लीजिएगा आप लोग भी, और क्या करेंगे पहले लिख लीजिए, एक ही सेल में सारा नाम लिखेंगे, कुछ भी ले लेना जो मिल जाएगा, थोड़ा सा कुछ भी ले लेना जो मिलेगा, थोड़ा ज्यादा नहीं, ठीक ठीक ठीक, नमकीन कुरकुरे ले लेना,
पता नहीं क्यों इतना पेट में दर्द हो रहा है आज सुबह से। क्या प्रॉब्लम क्या है, सुन लीजिए सुन लीजिए। सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे कहाँ जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे और क्या लेंगे, डेलिमिटेड, डेलिमिटेड है, डिलिमिटेड, डिलिमिटेड, डी डी लिमिटेड। हाँ नेक्स्ट करेंगे और सबको टिक कर देंगे, क्या कर देंगे, करेगा डिलीमिट और नेक्स्ट करेंगे और सबको टिक कर देंगे और नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे, सबको टिक करके नेक्स्ट करके क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। हो गया हो गया, नेक्स्ट करके क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। देखिए क्या करना है उसके बाद, हाँ ये हो गया ना। एक और चीज जान लीजिए आप लोग, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है शुरू में ही, जहाँ से आप जाके आप काम किए थे, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं आप। सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट किया जाता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे, बहुत सारी की कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, देखिए देख रहे हैं ना। और याद रखिएगा जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है वो नंबर्स पे ही लगती है, अल्फाबेट्स पे नहीं लगती है। कहाँ लगती है, नंबर, देखिए सब नंबर्स पे लग रहा है, कोई अल्फाबेट्स पे लग रहे हैं तो याद रखिएगा, ये भी लिख दीजिएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ लगा सकते हैं, कह सकते हैं जो भी ग्रेडियंट लेना है ले लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, मालिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा भी दिए, अब हटाना कैसे है, तो आप यहीं पे जाएंगे, यहीं पे लिखा है क्लियर, कह रहा है कि पूरे सेल में किसी सिलेक्टेड में या इन पूरी सीट पे, इंटायर संपूर्ण सीट पर, मैंने कहा संपूर्ण, इंटायर का तो क्या होता है, संपूर्ण होता है, ठीक है। कोई दिक्कत हो जाएगा, जो अभी बताया अरे पागल कर लोगे वैसे ही होगा, आप लिख लेना वो आएगा हॉरिजेंटल में ही आएगा। आप क्या करना है, चेंज करना होगा कॉपी और पेस्ट, स्पेशल में ट्रांसपोज का तरीका तो बताया था ना आपने, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, वर्टिकल ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा अगली क्लास में सब टोटल वगैरह वो, ताकि खत्म कर दूंगा सर, फिर आपका स्टार्ट होगा पावर पॉइंट, ठीक है। इसी से समझ में आ गई आप लोगों को, कर लेंगे तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी यूज कर सकते हैं और क्लियर भी कर सकते हैं। याद रखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ अप्लाई होता है, नंबर अल्फाबेट पे, ठीक है। दिक्कत चलिए, प्लस ये सारी भी चीजें दी हुई, फॉर्मेट टेबल दिया हुआ है, अब चाहे तो फॉर्मेट लगा सकते हैं ऐसे, ओके कर देंगे, देखिए देख रहे हैं ना, ऐसे फॉर्मेट वगैरह भी लगाते हैं, सब होम टाइम में ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत। और हटाना है तो क्या करेंगे, क्लियर करके आल करेंगे तो क्या होगा, सब क्लियर हो जाएगा। आप फॉर्मेट करेंगे तो सिर्फ फॉर्मेट क्लियर होता है, देख रहे हैं ना, दो चीजें है, क्लियर आल और क्लियर फॉर्मेट, क्लियर आल का मतलब सब कुछ, हाँ फॉर्मेट का मतलब, ठीक है। कोई दिक्कत चलिए कर लेंगे आप लोग, तबीयत ठीक नहीं लग रही आज के लिए इतना ही।